हम यहाँ उसका वडियो से बातचीत भी करते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी बोले आपका नाम क्या है? विशाल मेरा शाहपुर से, शाहपुर के रहने वाले हैं। लेके चले हुए आप चले 23 तारीख की शाम के टाइम, बोले 23 में लेके चले। हाँ बोले। रोजाना कितने किलोमीटर का सफर किया? 10-12 किलोमीटर का सफर है डेली का। बोले तो आप पूरा महादेव मंदिर पे आप जल अभिषेक करेंगे? हाँ बोले। क्या मन्नत मांगी आप? माँ बापू की उम्र बड़े बोले हमारे जन से। आप करते क्या है? बोले मैं तो बैंक में काम करता हूँ प्राइवेट। अच्छा। हाँ बोले। आपकी शादी हो गई? नहीं बोले। अच्छा, और कोई मन्नत नहीं मांगी आप? नहीं बोले। माँ बाप की उम्र बढ़ जाए जो है मेरी साथ के रहने वाले उनकी भी बढ़ जाए। आप पहली बार कहाँ बढ़ना है? नहीं बोले, दूसरी बार। हाँ बोले। बोले आपका नाम क्या है? मेरा ऋतिक भारद्वाज नाम है। बोले आप भी शाहपुर से? हरिद्वार से। अच्छा, आप कितने लीटर जल रहे हैं? मेरे पास है बोले 31 लीटर। अच्छा जी। आपने कोई मन्नत मांगी है? है जी, बोले बाबा से ही मन्नत मांगी है। मम्मी पापा सही रहे, घर परिवार सही रहे। बोले आ जाओ। बोले आप भी आ जाओ। बोले बोले आपका नाम क्या है? योगेश शर्मा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? बोले बागपत से, बिहारीपुर गाँव। तो आपने कोई मन्नत मांगी है? आप महादेव मंदिर जा रहे हैं? भोलेनाथ ने इतना कुछ दे रखा है, सब कुछ मन्नत ही है। 19 कावड़ हो गई, ये सब बिना मन्नत के ही है। सब 19 कावड़ हो गई है। अच्छा, बिना मन्नत के भगवान ने सब कुछ दिया, सब दिया भगवान ने। और वो दे रहा है सनारा, वही है। हम कौन चलने वाले हैं? इस सृष्टि को चलाने वाला वो है। हम कौन है? हमारा क्या लग रहा है इसमें? योगेश शर्मा 19 कावड़ ला चुके हैं। बोले आपने मांगी है मन्नत? बोले कि 6 बस। अच्छा, जो कर रहा है बोला कर रहा है। हम तो जल्दी चल रहे हैं बस। अच्छा, आप कितनी बार लाए कावड़? बोले दूसरी बार है मेरी। दूसरी बार आपने कोई मन्नत मांग रहे? कुछ नहीं, माँ बापू की उम्र बढ़ जाए वही बहुत है। बोले हमारे लिए तो सब मन्नत ही मन्नत है। माँ बापू कितने पढ़े लिखे, आप क्या करते हैं? मैं बोले 12वीं पढ़ा हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? बोले मैं मेडिकल करता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ। एमआर रिप्रेजेंटेटिव। हाँ जी, और प्लस में क्या है, अपने फ्रेंचाइजी कंपनी भी है। अच्छा। बस बोले बोले इच्छा है जो चल रही है बस। अच्छा अच्छा, आप साथ में हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित शर्मा, खेकड़े से जी। अच्छा, आप कितनी बार कावड़ लेके आए? मैं दूसरी बार का आज कावड़ लेकर आया। अच्छा, आप दूसरी बार लाए? दूसरी बार कावड़ लाया था। अच्छा, आपने कोई मन्नत मांगी? हाँ, मेरी लड़की बीमार हो गई थी अध से ज्यादा, तो मैंने कावड़ बोली थी तो वो 15 दिन में ठीक हो गई थी। तो उसके बाद पहली कावड़ लाया, अगली बार दूसरी कावड़ लेकर आया। क्या क्या हुआ था बेटी को? बेटी को उसको मतलब मेंटली सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसको कुछ भी नहीं सुनाई देता ना दिखाई देता था। कावड़ लाए वो अब ठीक है? हाँ, वो ठीक है जी। बस कहते हैं मन्नत है, भगवान की आस्था है। वैसे हमने डॉक्टर दवाई भी दिलाई, उससे भी है, पर लेकिन आस्था एक अपनी चाहिए। धन्यवाद। बोले आपकी यात्रा शुभ हो।